बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा जो आज हमने डिस्कस करना है वो एक्सरसाइज है 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट। उसमें क्या लिखा है, डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो सबसे पहले हम बेटा डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन को। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, ये एक टर्म डेफिनेशन भी है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये पेपर में भी आती है बेटा अक्सर दो नंबर के लिए। तो कोऑर्डिनेट प्लेन व्हेन टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक लाइन मैंने खींची, ये वर्टिकल लाइन है, इसको बेटा जब इंटरसेक्ट करेगी दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारे पास एक प्लेन बन गई। ये क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम है एक्स एक्सिस, और ये जो बेटा वर्टिकल लाइन मैंने खींची ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ से एक डेफिनेशन और भी चलती है आगे, एक्स एक्सिस का जो दूसरा नाम है वो है एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस का बेटा सेकंड नाम है वो है ऑर्डिनेट। तो ये भी डेफिनेशन आती है, डिफाइन एब्सिसा, द एक्स कोऑर्डिनेट of coordinate plane is called abscissa and the y coordinate of the coordinate plane is called ordinate। तो यहाँ तक हमने तीन डेफिनेशन अभी तक डिस्कस कर ली। तो चौथी डेफिनेशन यहाँ पे कौन सी होगी, कि जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज इसको मैं O लिखता हूँ, ये क्या है, ओरिजन। यहाँ पे बेटा डेफिनेशन एक और आ गई, वो क्या है, ओरिजन। The point of intersection of two coordinate axes is called origin. Origin के अब next right side पे जो values होती हैं बेटा x-axis पे वो positive होती हैं, origin के right side पे, और जो left side है वहाँ पे values होती हैं negative। इसी तरह origin की upward direction में ऊपर की जाने वो values y-axis की होती positive, और नीचे की जाने origin से वो value कौन सी हैं, negative। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिटरमिन द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताएं। तो ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये फोर पार्ट में डिवाइड हो रही है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये फर्स्ट पार्ट है उसका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये बेटा फोर्थ। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमने देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं ओरिजिन के राइट साइड पे हैं, तो वो वैल्यूज़ हमने क्या कहा है, पॉजिटिव हैं। और ओरिजिन के ऊपर की जाने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये पार्ट बन रहा है ना फर्स्ट, तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यूज हैं वो भी क्या हैं, पॉजिटिव। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। नाउ वी डिस्कस द सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स वैल्यूज लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन सो इट विल बी नेगेटिव, एंड द वाई इज अपवर्ड सो इट विल बी पॉजिटिव। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो देखें एक्स की वैल्यूज ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हैं तो वो नेगेटिव हैं, और जो वाई एक्सिस है वो बिलो है ओरिजिन से, तो वो बेटा क्या है, वो भी नेगेटिव। तो थर्ड में बोथ आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू फिर देखेंगे तो वो पॉजिटिव हमें, क्योंकि वो ओरिजिन के राइट साइड पे और वाई एक्सिस नीचे है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो इसमें भी बेटा हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन को पढ़ लिया, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर्म अ कोऑर्डिनेट प्लेन इट इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ये सेकंड नेम है कोऑर्डिनेट प्लेन का, वो क्या है, कार्टेशियन प्लेन। और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा, वाई एक्सिस का दूसरा नेम है बेटा वो ऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, एंड द फोर्थ एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो इसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो बताना है कि ये पॉइंट जो हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो लेट्स से माइनस फोर एंड थ्री। तो ये जो बेटा पहली वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, ये सेकंड जो है ये वाई की है। अगर किसी बच्चे के जहन में ये कन्फ्यूजन हो कि सर ये एक्स की क्यों है और वाई की क्यों है दूसरे वाली, पहली जो वैल्यू है वो वाई की हो सकती है दूसरी एक्स की, तो बेटा ये ऐसे नहीं है। इसके लिए एक टर्म उन्होंने डिफाइन की है, उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर।
तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर बेटा तरतीब को बोलते हैं, एक तो हुक्मनामा भी होता है लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर तरतीब, पेयर जोड़े को बोलते हैं। दो चीज़ों जो मिल के बनाती हैं वो पेयर होती हैं। तो एक ऑर्डर पेयर है कि उनको एक अरेंज फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्या है? एन ऑर्डर पेयर इज पेयर ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, के एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसी तरतीब जिसमें दो चीज़ों को एक अंदाज से, मखसूस अंदाज से लिखा जाए। तो वो बेटा मखसूस उसमें क्या है, जो x की वैल्यू, जो फर्स्ट है वो x की वैल्यू है और जो सेकंड वाली है वो y की वैल्यू, यही उसमें ऑर्डर है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं और इनको एक अरेंज फॉर्म में लिखा गया है। तो पहली वैल्यू हमेशा एक्स की हुआ करेगी, सेकेंड वाली वैल्यू वो वाई की है। तो अब देखें, एक्स के साथ अगर मैं साइन देखूँ तो माइनस फोर है, मीन मुझे 4 हो 8 हो कोई भी वैल्यू, लेकिन मुझे साइन से कंसर्न है तो x नेगेटिव है और y के साथ अगर नहीं है तो वो पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हमें पता चल रहा है। हम अगर कोऑर्डिनेट प्लेन को देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट उसने ये P के बाद Q पॉइंट आपको दिया है वो बेटा है माइनस फाइव एंड माइनस टू। तो इसमें भी x की वैल्यू माइनस फाइव और y की वैल्यू वो भी क्या है, वो भी माइनस में है। तो बोथ आर माइनस इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। तो r में बेटा दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो वो फर्स्ट में होगा। जो s है वो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, दोनों सॉरी कह गया, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो बेटा इसका मतलब है कि जो s है पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में आके होता है? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है। तो ये था आज का आपका लेसन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिफाइन किया है, उसकी चंद टर्म्स थी वो भी डिफाइन की, उसको हमने एवेल्युएट किया क्वेश्चन को। तो बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन, सेकंड नेम उसका कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस सेकंड नेम एब्सिसा है, वाई एक्सिस सेकंड नेम ऑर्डिनेट है, ओरिजन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, और ऑर्डर पेयर। तो उसकी डेफिनेशन के लिए अगर आपको ना मिले तो बेटा आपने अपनी बुक का पेज निकालना है 167 समरी, वहाँ पे ये डेफिनेशन एक अरेंज फॉर्म में लिखी गई हैं, तो आपको इजीली वहाँ से आप टैली कर लेंगे इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू। क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो क्वेश्चन दिया है वो इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसको आपने फॉर्म बनानी है। ये जो मैंने लिखी है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ए पार्ट बेटा वो क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की ये फॉर्म बनानी है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म बनानी। तो उसके बाद m और c आप लोगों ने फाइंड करना, ठीक हो गया। तो देखें ये हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन, इसको हम स्टार्ट लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, y इक्वल एम एक्स प्लस सी में। तो बेटा ये इस फॉर्म में क्या खसूसियत आपको नज़र आ रही है जी, वो देखें तो वो ये है कि y एक साइड पे है, y का एलिमेंट अकेला है। तो इस इक्वेशन को भी हम ये चेंज फॉर्म में बनाएंगे तो फिर कैसे कि y की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे ही दिखा रहने देंगे। तो ये 2x है तो इधर आके ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस वन है तो ये इस तरफ आगे बेटा प्लस हो जाए, क्योंकि इक्वल के साइड जब चेंज करते तो उनकी साइन भी चेंज हो जाते। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वाई के साथ क्या है, वो थ्री है, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें हमें जस्ट वाई चाहिए। तो जो वाई के साथ है उससे हम डिवाइड करते थे होल वैल्यू को दोनों साइड, तो थ्री से डिवाइड किया तो अब ये हमारे पास कट हो गया थ्री थ्री से, तो ये बेटा वाई रह गया, ये हमारे पास माइनस टू ओवर थ्री एक्स प्लस वन ओवर थ्री, ओके हो गया। अब हमने फर्दर देखना है तो फर्दर क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद, किस से कंपेयर, क्योंकि वो उसने हमें बाउंड किया है कि ये फॉर्म बनाना है, फिर हमने वैल्यू निकाली एम और सी की।
तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो x के साथ एलिमेंट है वो कौन है, m है। तो अब मैं क्वेश्चन पे जाऊँगा तो x के साथ मेरे पास क्या दिया है, अगर इक्वेशन को आप देख रहे हैं तो वो क्या दिया है x के साथ -2/3। तो यहाँ पे फिर m वो कितना है -2/3, क्योंकि x के साथ जो है वो m है, तो इधर x के साथ जो है फिर वो m की वैल्यू। विदाउट x एंड y वो कौन है, वो c है, तो वो क्या है हमारे पास वैल्यू 1/3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलें एक पार्ट और हम करते हैं जी, इसमें हम चेंज कर लेते हैं जी क्वेश्चन e वाला पार्ट, 5 पार्ट। वो बेटा क्या है, 3 - 2x + y = 0। अब इसकी भी हमने वही फॉर्म चेंज करनी, y = mx + c। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल y एक साइड पे करना है, तो y इधर ही रहने दें, पहले प्लस का है, -2x इस तरफ जाके वो +2x हो जाएगा, +3 है तो वो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा -3। अब देखें y के साथ 1 ही चाहिए था, तो इधर भी ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तो इट्स ओके। अब हमने जस्ट इसको क्या करना है, कंपेयर विद, तो वो क्या आपके पास m फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा -3। कंपेयर आपने किससे किया, वही जो इक्वेशन फॉर्म थी y = mx + c के साथ। ओके हो गया, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एज इट इज पार्ट है 4 के, तो 5 में देखें, कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन आर नॉट। तो ये इक्वेशन दी है उसने जी, लाइन ऑफ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y (2x - y + 1) = 0, और पॉइंट मैं पहला ले रहा हूँ वो क्या है जी 2 और 3। ये वेरीफाई करना है हमने कि ये जो पॉइंट है 2, 3 ये इस लाइन पे है या नहीं। तो इसके लिए आप लोगों ने बेटा जो फर्स्ट वैल्यू वो x की है और सेकेंड वन y, तो नाउ वी पुट वैल्यूज इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगेन लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, 2x - y + 1 = 0। तो सो जहाँ पे बेटा x आ रहा वहाँ पे 2 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि जो पेयर दिया है वो ही वैल्यू लगानी, और जहाँ पे 3 y है वहाँ पे उसकी वैल्यू 3 वो लग जाएगी, +1 = 0। 2 × 4 - 3 + 1 = 0। अब 4 - 3 तो ये बेटा 1 आ जाएगा, 1 + 1 = 0, 2 जे ऐड हो के और = 0। अब ये हमें पता है, ये अंडरस्टूड बात है कि 2 = 0 नहीं है, तो ये ऊपर लाइन लगा लेंगे ≠ 0। तो सो दोनों साइड का आंसर सेम नहीं आया, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, गिवन पॉइंट लाई ऑन द लाइन। तो ये आपकी बेटा प्रैक्टिस होगी कि क्वेश्चन 5 के एज इट इज पार्ट हैं, आपको हर पार्ट में ऑर्डर पेयर दिया है, और यही इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसी में जहाँ पे x है उसकी वैल्यू लगा लें, जहाँ पे y है उसकी वैल्यू पुट करनी है, और दोनों साइड का आंसर अगर सेम है तो इट्स मीन ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, अदरवाइज ये पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करेगा। अब एक पार्ट इसका मैं और टैली कर देता हूँ, चलें वो क्वेश्चन है मेरे पास 4 पार्ट इसका करता हूँ जी, वो वैल्यूज क्या है 2 और 5। इक्वेशन ऑफ लाइन अगेन वी राइट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो क्या है 2x - 1 - y + 1 = 0। नाउ वी पुट फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड y की वैल्यू है, तो 2x की जगह पे वैल्यू लगा लेंगे, y की जगह पे उसकी वैल्यू, +1 = 0। 2 × 4 - 5 + 1, तो बेटा 4 - 5 - 1 ना जाएगा, +1 = 0, तो ये -1 + 1 = 0। यहाँ तो ये कंडीशन ट्रू है, तो सो गिवन पॉइंट नीचे लिखेंगे हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, हैंस गिवन पॉइंट लाई ऑन द लाइन। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके बाद डेफिनेशंस इसमें 2-3 अभी रह गई, वो कौन सी थी, और उसमें आप उनको इंक्लूड कर लें, वो है सेट ऑफ पॉइंट, सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स। डेफिनेशन क्या है,
कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जो एक लाइन पे लाए करें, वो एक लाइन पे मौजूद हों, वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट। फॉर एग्जांपल बेटा वो क्या है हमारे पास, जी उसमें ये लेट से एक लाइन है, ठीक है, तो ये पॉइंट इसके ऊपर ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो दिस इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट। ये सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट हैं बेटा। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन, उसका दूसरा नाम था कोलिनियर कार्टीजियन प्लेन।